लगभग 106 साल पुराना मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश राज में साल 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता के बदले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तब रायसीना की पहाड़ी को काटकर वाइसरॉय हाउस बनाने का फैसला किया गया। इसे बनाने के लिए खास तौर से इंग्लैंड से ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस को बुलाया गया, जिन्होंने वाइसरॉय हाउस डिजाइन किया। सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 से वाइसरॉय हाउस बनाने की शुरुआत की। वाइसरॉय हाउस की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक खास बाग बनाया गया, जहां कई तरह के फूल और पौधों और पेड़ों की प्रजातियां लगाई गईं। 1928 में यह गार्डन बनकर तैयार हुआ। 1928 से 1929 तक प्लांटिंग का काम चला। इस गार्डन के तैयार हो जाने के बाद अंग्रेजों ने सामंतवादी और भारत विरोधी मानसिकता के चलते इस गार्डन का नाम मुगल गार्डन रखा। ब्रिटिश राज में इस गार्डन का दीदार केवल खास लोगों को ही नसीब होता था। ब्रिटिश शासक अपने मेहमानों को इस गार्डन की सैर पर ले जाते थे। स्वतंत्रता के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने आम लोगों को भी मुगल गार्डन देखने की छूट दी, लेकिन तब भी इसका स्वदेशीकरण नहीं हुआ। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करना केवल नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि अपने स्वत्व की ओर लौटते नए भारत की तस्वीर है।